Hi everyone, welcome to Brihan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Nehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. आज के इस वीडियो में मैं आपकी स्नेहल टीचर आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। बच्चों देखो, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं बहुत ही कठिन प्रसंग है। इस हालात में हमारा सबका जीवन कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। कई कई के तो काम निकल गए हाथ से, कुछ कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं। आप जैसे घर में बैठ के पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ऐसे हमारे जो निजी जिंदगियां है वो बहुत हद तक बदली है। लेकिन एक इंसान ऐसा भी है इस दौर में जिसके लिए कुछ भी नहीं बदला है। कुछ भी नहीं का मतलब यहाँ पे काम करने का तरीका नहीं बदला है। वो उसी लगान से अपना काम बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहा है। सब कठिनाइयों का सामना करके वो अपनी मेहनत और अपनी लगन से अपना काम कर रहा है। और कौन है ये इंसान, इसके बारे में आज हम एक कविता से जान लेंगे। तो हमारी इस कविता का विषय है बाली यह धान की। देखो बच्चों, इस कविता का अध्ययन करने के बाद आपको पता चलेगा कि किस इंसान का जिक्र मैंने आपको यहाँ पे किया है। तो चलो इस कविता के और बढ़ेंगे। बाली यह धान की। हमारी कविता का नाम क्या है? बाली यह धान की। पहली इकाई से ये दूसरी कविता है, बाली यह धान की। और इस कविता के कवि है डॉक्टर हनुमंत नायडू। ये कविता की रचना किसने की है? डॉक्टर हनुमंत नायडू। की ओर बढ़ने से पहले कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं इस कविता के कवि के बारे में। तो ये है इस कविता के कवि डॉक्टर एस हनुमंत नायडू। इनका नाम है डॉक्टर एस हनुमंत नायडू। आप गजलकार के रूप में प्रसिद्ध है। डॉक्टर एस हनुमंत नायडू मूलतः तेलुगु भाषी होने के बावजूद हिंदी और छत्तीसगढ़ी के प्रति दीवानगी की हद तक समर्पित थे। कॉलेज में वह हिंदी के प्रोफेसर थे, तो पीएचडी उन्होंने छत्तीसगढ़ी लोकगीतों पर की थी। तकिया पारा दुर्ग में रहने वाले डॉक्टर नायडू ने शुरुआती कुछ साल दुर्ग में अध्यापन के बाद अपना कर्म क्षेत्र महाराष्ट्र को चुना था। तो ये थी कुछ जानकारी इस कविता के कवि डॉक्टर एस हनुमंत नायडू, जिनका देहांत हो चुका है 1998 में। चलते हैं कविता की ओर। लेकिन कविता पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज हमें इस वीडियो में क्या करना है। तो कविता पढ़ने से पहले जैसे मैं आपको बताती हूँ कि पहले ये जान लेना चाहिए, कोई भी पाठ या कविता जब भी हम पढ़ते हैं तो पहले ये जान लेंगे कि यहाँ पे हमें क्या करना है। तो यहाँ पे दो चीजें हम लोग करेंगे, सुनो और गाओ। हम लोग कविता को सुनेंगे और साथ साथ गाएंगे। कविता की ओर बढ़ते हैं। खेतों में झूम रही बाली यह धान की, चमक चमक चलती जो बेटी की सान की। खेतों में झूम रही बाली यह धान की, चमक चमक चलती जो बेटी की सान की। इसका मतलब क्या है? इन पंक्तियों से कवि हमें क्या कहना चाहते हैं कि इस कविता में अभी धान जो है, धान का मतलब है चावल, एक ऐसी फसल रहती है जिससे चावल निकलता है, उसे धान कहा जाता है हिंदी में। तो इस कविता में धान की बाली, ये जो धान की बाली आपको नजर आती है यहाँ पे,
इस चित्र को आप देखिए गौर से, तो ये धान की बाली का किसान की बेटी के रूप में प्रतीकात्मक वर्णन किया गया है। जैसे ये धान की बाली कैसी है, तो ये किसान की बेटी है, मानो ये किसान की बेटी है। अभी पहले मैंने आपको बताया था कि अभी इस दौर में सबकी जिंदगी बदल गई है, सबके काम करने का तरीका बदल गया है, लेकिन एक ही इंसान जो है वो घर में बैठ के काम नहीं कर सकता, और वो इंसान है अपना किसान। देखो, किसान खेतों में धूप में, बारिश में, ठंडी के मौसम में सुबह से लेके शाम तक काम करता है, इसके लिए हमारी थाली में हमें भोजन मिल सकता है। हम में से कोई भी खेतों में जाकर वहां मेहनत कर अपना अपनी फसल नहीं उगाते हैं। ये जो हमारे किसान है वो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और इस कठिन हालातों में भी वो वहां जाके अपना काम कर रहे हैं। और वो किस तरह से ये काम कर रहे हैं, उसके प्रति, उसके काम के प्रति उनकी भावनाएं क्या है, वो इस धरती माँ को क्या समझते हैं, इन सब सवालों का जवाब हमें इस कविता से प्राप्त होने वाला है। तो फिर से पंक्तियां वो पढ़ते हैं। खेतों में झूम रही बाली यह धान की, धान का मतलब मैंने आपको बताया, ये जो फसल है जिससे चावल निकलता है उसे धान कहा जाता है। झमक झमक चलती जो बेटी किसान की, जो मतलब जैसे जैसे किसान की बेटी झमक झमक चलती है, उसी तरह ये किसान के खेतों में ये बाली जो है धान की जो फसल है वो झूम रही है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो फिर से मैं आपको ये बात दोहराऊंगी यहाँ पे कि इस कविता में धान की माली बाली जो है वो किसान की बेटी के रूप में यहाँ पे हमें इसे जानना है, इसका प्रतीकात्मक वर्णन यहाँ पे किया गया है। देखो आगे की पंक्तियां। बूंदों ने प्यार दिया, बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया, सूरज रखवाला है। अभी इस जो धान की बाली है उसके लिए कौन कौन कहाँ कहाँ से क्या क्या करता है, कैसे कैसे उसके लाड़ करते हैं, कैसे कैसे उसको प्यार देते हैं, ये हम यहाँ पे जान लेंगे। बूंदों ने प्यार दिया, बरसात की बारिश की बूंदे आपको यहाँ पे नजर आ रही है। जैसे ही किसान यहाँ पे जो धान की जो बीज है, जो भी कुछ है खेती, वो लगाता है, तब बूंदे उसे प्यार देते हैं, मतलब बारिश के बूंदे उसको अपने प्यार से नहलाते हैं। और बरखा ने पाला है, बरखा मतलब बारिश, चंदा ने रूप दिया, सूरज रखवाला है। हर एक पंक्ति का अर्थ हम जानेंगे यहाँ पे। बूंदों ने प्यार दिया, बरखा ने पाला है। देखो हमने देखा बूंदे जो है बारिश की वो कैसे गिरती है वहां पे, और उसे धरती से बाहर आने के लिए मदद करती है। और ये जो बरखा रानी है वो झूम के बरसती है, क्योंकि चावल को बहुत ज्यादा पानी लगता है, तो इतनी तेज बारिश लगती है, इसके लिए कवि ने यहाँ पे ये कहा है, बूंदों ने प्यार दिया, बरखा ने पाला है। देखो जोर से, जोर की बारिश, बहुत सारा पानी जब गिरता है तभी ये धान की बाली अच्छी तरह से बाहर निकल के आती है। बूंदों ने प्यार दिया, बरखा ने पाला है। ये बूंदों ने प्यार दिया, बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया, सूरज रखवाला है। और यहाँ पे सिर्फ बारिश ही नहीं, सिर्फ आकाश से गिरने वाली बूंदे ही नहीं, तो आकाश में, गगन में जो चांद और सूरज रहते हैं वो भी इस बाली का, धान की बाली का ध्यान रखते हैं। कैसे ध्यान रखते हैं, तो चंदा ने रूप दिया, रात की जब चंदा की रोशनी में अगर आप इस धान की बाली को देखेंगे तो आपको वो बहुत खूबसूरत सी नजर आएगी। और इसकी रखवाली कौन करता है, दिन भर इसकी रखवाली सूरज करता है, सूरज की किरणों से इसको
इसकी रक्षा की जाती है या इसको उगने में और भी मदद की जाती है। तो बूंदों ने प्यार दिया, बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया, सूरज रखवाला है। आगे देखते हैं, छाया है मंडप सी नीले वीतान की, खेतों में झूम रही बाली यह धान की। छाया है मंडप सी, मंडप आपको पता है जब शादी या कोई भी हमारे घर में कार्यक्रम होता है तभी मंडप जो है वो लगाते हैं। तो ये मंडप क्यों लगाते हैं? तो हमें हमारी धूप से बचने के लिए या बचाव करने के लिए। तो ये जो है इसको किसकी छाया है? नीले वीतान की। वीतान का मतलब क्या है? आकाश। ये जो नीला आकाश है जिसमें चांद और सूरज है वही इसे मंडप की तरह छाया देते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा धूप से बचाते हैं। खेतों में झूम रही बाली यह धान की, छाया है मंडप सी नीले वीतान की, खेतों में झूम रही बाली यह धान की। वीतान का मतलब क्या बताया मैंने आपको? आकाश, गगन। तो ये नीला गगन जो है इसके ऊपर छाया हुआ और वो मंडप सी छाया इस पर छा देता है, और इन्हीं मंडप के नीचे ये हमारी धान की बाली झूमती है। आगे देखो, पेड़ों पर पंछी है, मेंढों पर शोर है, वंशी की तान लिए आती हर भोर है। कितनी खूबसूरत पंक्तियां है ये देखो। पेड़ों पर पंछी है, आपको पता है कि जैसे हम कभी जब भी गांव चले जाते हैं तो खेतों में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे पेड़ भी रहते हैं, और जहाँ पेड़ है वहां तो पंछी होने ही है। तो ऐसे भी किसान के खेत में पेड़ है और वहां पे पेड़ों पर पंछी है, मेड़ों पर शोर है। मेड़ मतलब क्या है देखो, यहाँ पे हम लोग, मैं आपको दिखाती हूँ उसका अर्थ। तो यहाँ पे आपको दिखाई रहा है कि खेत के चारों ओर यहाँ पे देखो मिट्टी का बना हुआ जो घेरा है वहाँ पे उसे मेड़ कहा जाता है। देखो ये जो औरतें काम कर रही है वो क्या कर रही है? ये धान की जो है वो बाली यहाँ पे लगा रहे है। आपको आप देख सकते हो यहाँ पे देखो देखो, और जो फसल रहती है उसको उगाने का और ये जो चावल है उसको उगाने का तरीका अलग अलग होता है, और जो अनाज है उसके बीज बोए जाते हैं, लेकिन चावल जो है वो कहीं और पर लगाकर उसको थोड़ा बढ़ जाने के बाद फिर से लगाते हैं। तो ये फिर से लगाने का काम ये औरतें यहाँ पे करती है, और आप देख सकते हो इसको बहुत ज्यादा पानी भी लगता है। तो यहाँ पे उस पानी को अटकाव करने के लिए, वो पानी बह न जाए इसके लिए ऐसे मेड़ बनाते हैं उस खेत के चारों ओर, उसको मेड़ कहा जाता है। पेड़ों पर पंछी है, मेड़ों पर शोर है, और ये शोर किसका है? ये जो काम करने वाले लोग हैं उनका शोर है। वो जब काम करते हैं तो गाने गाते हैं, कुछ न कुछ बातें करते हैं। यहाँ पे खेती करने वाले जो है, आपको हल दिख रहा है, उस हल की आवाज है, ऐसे बहुत सारे आवाजें यहाँ पर हमें सुनाई देती है। पेड़ों पर पंछी है, मेंढों पर शोर है। तो आगे की पंक्तियां देखो कितनी खूबसूरत है। पेड़ों पर पंछी है, मेंढों पर शोर है, वंशी की तान लिए आती हर भोर है। वंशी की तान लिए, वंशी का मतलब क्या होता है? बांसुरी। देखो हम लोग शहर में रहते हैं, और शहर में जब सुबह होती है तो कौन कौन सी आवाजें हमारे कानों पर आती है? जैसे वाहन की आवाजें है, ट्रेन की, अगर हम लोग स्टेशन के पास रहते हैं तो ट्रेनों की सीटियां बजती है, किसी किसी के मोबाइल की रिंगटोन बजती है, एक दूसरे के साथ हम लोग बात करते हैं। तो ये तरह तरह की आवाजें शहरों पर हमारे कानों पर आती है, शहरों में हमारे कानों पर आती है। लेकिन अगर आप अगर गाँव में चले जाते हो और सुबह सुबह अगर आप जाते हो खेतों में, तो आपको कौन सी आवाज आपके कानों पर गिरती है? तो ये है बांसुरी की तान।
आपको पता है कि गांव में जैसे चरवाहा जो रहते हैं वो सुबह उठकर अपने अपने गाय भेड़िया सबको लेकर चरवाने के लिए लेके जाते हैं। तो वो जाते हैं तभी बांसुरी बजाते हैं। तो इस बांसुरी की सुरेल तान से इनकी सुबह भोर का मतलब सुबह इनकी भोर शुरू हो जाती है। कितनी खूबसूरत सी सुबह है देखो। गांव के किसानों की वंशी की तान लिए आती हर भोर है। हर सुबह वंशी की तान से इनकी सुबह की शुरुआत हो जाती है। तान का मतलब सुर और भोर का मतलब सुबह। आगे देखो, श्रम का यह मोती है, मेहनत की जीत है, फसलों के आंचल से झरता यह गीत है। जैसे हमने शुरू में देखा है कि ये जो किसान है दिन रात सुबह से लेकर जैसे भोर होती है सुबह होती है वहां से लेके शाम तक सूरज ढलने तक ये अपने खेतों में बहुत कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं। और इनका मेहनत इनकी मेहनत का फल क्या है, कौन सा फल मिलता है इनको? तो फसलों के आंचल से झरता यह गीत है। यानी यहाँ पे मेहनत करने के बाद जब उनके उनके यहाँ पे फसलें उगती है अच्छी तरह से तो ये इनके मेहनत का फल उन्हें मिलता है और यही इनके मेहनत का गीत है। वो जो मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं तो उनके मेहनत का बहुत मीठा सा फल उन्हें और साथ साथ हमें भी मिलता है और यही उनका मेहनत का गीत है। और कोई गीत वो गाने की उनको जरूरत नहीं है। उनकी मेहनत, उनकी जो कष्ट है, उनके जो श्रम है और वो श्रम जब फसलों के रूप में उभर आते हैं तो वही जो धान रहती है उसे मोती कहा गया है कवि द्वारा। तो ये श्रम के मोती जब उनके खेतों में उगते हैं और फसलों के आंचल में ये मोती जब बिखरते बिखर के बाहर आते हैं तब उनकी मेहनत का ये गीत जो है वो बहुत सुमधुर सा उनके कानों पर गूंजता है। श्रम का यह मोती है, मेहनत की जीत है, फसलों के आंचल से झरता यह गीत है। आंचल से यानी पल्लू से। सखियों सी गाती है किरणें विहान की, खेतों में झूम रही बाली यह धान की। सखियों से, सखिया यानी हमारी जो दोस्त रहती है उन्हें सखी कहा जाता है। तो सखियों से गाती है किरणें विहान की। विहान का मतलब क्या है? सुबह या भोर। हमने अभी देखा भोर, भोर मतलब सुबह सकाळ। सखियों से गाती है किरणें विहान की। जैसे सुबह सूरज जब उगता है तो उसकी किरणें जब इनके खेतों पर आके गिरती है तभी ये बालियां उनको उनको लगता है कि जैसे ये हमारी सखियां है। धान की बाली की सखी कौन है, उनकी दोस्त कौन है, उनकी सहेली कौन है? तो ये सुबह की किरणें, सूरज की किरणें उनकी सहेली है। तो जब ये मिलकर उन्हें मिलने के लिए आती है तो दोनों मिलके बहुत सुमधुर सा गीत गाती है। जैसे कवि को लगता है जब सूरज की सुबह की सूरज की किरणें जब धान की बाली पर गिरती है तो दोनों भी झूम कर उठती है और ये धान की बाली जो बहुत खुश हो जाती है इन किरणों को किरणों से मिलके क्योंकि वो उनकी सहेली है, सखी है। और दोनों मिलके बहुत सुमधुर सा गीत गाती है क्योंकि जो आपको पता है जब भी हम खुश होते हैं तो हम गीत गाते हैं, नाचते हैं। उसी तरह से ये धान की बाली इन सूरज की किरणों के साथ उनकी सहेलियों के साथ सुमधुर सा गीत गाती है, नाचती है, झूमती है। सखियों से गाती है किरणें विहान की, खेतों में झूम रही बाली यह धान की। आगे कवि क्या कहते हैं? मेहनत ही पूंजी है जग में इंसान की, खेतों में झूम रही बाली यह धान की। बहुत अच्छा सा संदेश हमें कवि ने दिया है यहाँ पे। मेहनत ही पूंजी है, पूंजी मतलब धन। जग में इंसान का धन कौन सा है? तो मेहनत करना।
मेहनत की कमाई से खाना, अपनी मेहनत से औरों को भी खुश रखना, औरों के लिए भी मेहनत करना, तो मेहनत ही पूंजी है। कभी भी आप आलसी मत बनो। आलस से जो है वो अपना दुश्मन है। जो आदमी आलसी रहता है, जो काम करना नहीं चाहता, उसके पास कभी भी धन नहीं आता, वो कभी भी धनवान नहीं होता। इसके लिए कवि हमें यहाँ पे ऐसे कहता है, मेहनत ही पूंजी है जग में इंसान की। इस जग में, इस संसार में, इस दुनिया में हमारा धन कौन सा है, हमारी पूंजी क्या है, तो मेहनत है। ये सरल सी बात है। जब भी हम मेहनत करते हैं, जब भी हम काम करते हैं, तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलता है। खेतों में झूम रही बाली यह धान की, मेहनत ही पूंजी है जग में इंसान की। खेतों में झूम रही बाली यह धान की। इस कविता का सरल अर्थ हमने जान लिया है। अभी बढ़ते हैं इस कविता से जुड़े हुए कुछ गतिविधियों के तरफ। गतिविधियां मतलब इस कविता के नीचे जो एक्टिविटी दी है उनको हम ये हम करते हैं। तो पहली गतिविधि है भाषा की ओर। जब भी हर एक पाठ से आप इस गतिविधि को करेंगे तो इससे अपनी हिंदी भाषा को हम और समृद्ध कर पाएंगे। तो क्या है ये? दिए गए शब्दों के लय युक्त शब्द लिखो। दिए गए शब्दों के लय युक्त शब्द लिखो। लय युक्त यानी उसी लय से जुड़ा हुआ, जिसे इंग्लिश में हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। देखो यहाँ पे पहला शब्द कौन सा है? बाली। बाली यह धान की, बाली। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक शब्द लिख के बताने वाली हूँ। इससे जुड़े हुए और भी शब्द आप लिख सकते हो। अलग-अलग शब्दों का आप वहां पर प्रयोग कर सकते हो। बाली डाली, पेड़ की डाली रहती है ना, बाली डाली। देखो लय युक्त शब्द है। अगला शब्द है बरखा। बरखा, गोरखा, चरखा, कितने सारे शब्द रहते हैं, तो आप उसे और भी लिखते जाएंगे। अगला शब्द है जीत। जीत, गीत, जीत, गीत। अगला शब्द है जग। इस जग में, जग, खग, खग का मतलब है पंछी, खग। अगला शब्द है धान। बाली यह धान की, धान, मान, मान सम्मान कहते हैं ना हम लोग। तो इसी तरह से आप इस शब्द में और भी अपने शब्द को डालकर लिखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगली गतिविधि की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आपका सबका चहेता सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहले हम सब पढ़ेंगे और बाद में एक-एक स्थानों की जगह पे, जहां पे रिक्त स्थान है वहां पे शब्द लिखेंगे। तो पहला है बूंदों ने दिया, दूसरा है पेड़ों पर रिक्त स्थान और हैं, नीले की झरता यह है। तो जहां पे हमें रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं वहां पे कविता पढ़ने के बाद फिर से हम कविता को पढ़ेंगे, और जहां पर ये पंक्ति हमें नजर आती है वहां से शब्द उठाकर हम यहाँ पर उसे लिखेंगे। बूंदों ने प्यार दिया, बूंदों ने प्यार दिया। पेड़ों पर कौन है? पेड़ों पर पंछी है। पेड़ों पर पंछी है, मेंढों पर शोर है। पेड़ों पर पंछी है, मेड़ों पर शोर है। नीले वीतान की, वीतान यानी आकाश, गगन। नीले वीतान की छाया किसकी है? नीले वीतान की। झरता यह गीत है। झरता तो झरना है, लेकिन यहाँ पे
गीत झरता है बहते हुए झरने की तरह, जब भी सूरज की किरणें आती है तो धान की बाली इतनी खुश हो जाती है और वो गीत वहां पे गाती है, झूमती है। तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया है, बढ़ते हैं आगे। ये जो सवाल है अगला, वो आपके लिए है, आपने खुद करके सीखना है, जिसे स्वयं अध्ययन कहते हैं। स्वयं यानी खुद, अध्ययन मतलब सीखना। क्या है ये सवाल? नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। कितनी अच्छी गतिविधि है, देखो आप बहुत ही इसे मजे मजे से कर लेना। यहाँ पे चित्र दिया है आपको और उस चित्र का इस्तेमाल करके, उस चित्रों से उसकी सहायता लेके आपने प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाले यानी निसर्ग की सुंदरता दर्शाने वाले एक चित्र बनाना है, देखो। और वो चित्र बनाने के बाद उसको उसमें आप रंग भरेंगे, जैसे दिवाली की रंगोली में हम रंग भरते हैं। और बाद में जो भी चित्र आपने निकाला है उस चित्र के बारे में आपको बोलना है। अभी यहाँ पे देखो, आपकी किताब में आपको ये चित्र दिया है, लेकिन ये अलग अलग चित्र है, जैसे किसान है वहां पे, या आपको पेड़ नजर आता है, पर्वत है, पंछी है, झरना है, यहाँ पे अलग अलग सी चीजें हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सब चित्रों की सहायता से एक पूरा चित्र बनाना है, जिसमें ये सब चित्र और भी अगर आपको कुछ उसमें जोड़ना है आप जोड़ सकते हो उसमें, और फिर उसको उसमें रंग भर भर के उस चित्र के बारे में आपको बोलना है, ठीक है? और एक मजेदार आपके लिए गतिविधि है, देखो इसको क्या करना है, दर्पण में देखकर पढ़ो। अभी ये जो किताब है वो आपको दर्पण में यानी आईने के सामने रखनी है, क्योंकि जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो वो आपको उल्टा उल्टी नजर आती है, वो सीधी नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब आप इसको आईने के सामने रखोगे किताब के इस पन्ने को, तब आपको सीधे नजर आएंगे और फिर आपको उसे पहचान कर पढ़ना है ना मजेदार? तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने एक बहुत खूबसूरत सी कविता पढ़ ली है, मैंने आपको पढ़कर सुनाई है। आप इसे अपने लिए बहुत अच्छा सा गीत बनाकर उसे गाइएगा, और जो भी कुछ गतिविधियां है और भी किताब में उसे आप करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो देखते रहिए। That's all for today. So you will revise whatever we have learned in today's session. Please subscribe the channel and press the notification button to get the link of next video. Bye bye.